हेलो, वेलकम यू ऑल। आज है 26 जून और आप सभी के लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क शेयर के बारे में। तो इसके क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके हैं, साथ ही साथ कंपनी ने दिया है डिविडेंड भी। तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा इसके रिजल्ट्स एज वेज एल इसके डिविडेंड्स भी, डिविडेंड भी। और 26 तारीख को आज कंपनी ने रिजल्ट रिपोर्ट्स किए, लगभग रात को 8:45 में आफ्टर मार्केट आवर इसके रिजल्ट्स आए। तो सारा इम्पैक्ट हमारे को मंडे को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ग्लेनमार्क के रिजल्ट्स आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, कंसोलिडेट रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, सारी वैल्यूज इन टर्म ऑफ मिलियंस देखने को मिलेगी आपको, तो ये याद रखिए। एंड यहाँ पे हमारे को देखने को मिलेगा क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंस, एंड दिस साइड वी विल गेट ईयर ऑन ईयर डिफरेंसेज। तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो क्वार्टर टू क्वार्टर में हमारे को इनकम राइज अप होते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो लगभग 450 मिलियन में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, और वहीं ईयर ऑन ईयर में हमारे को लगभग 8,000 मिलियन में इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं टोटल इनकम। तो अच्छी बात है, कंपनी के इनकम इंक्रीज होगी तभी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो अब देख लेते हैं इनके एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव जहां इनकम इंक्रीज नजर होते हुए आई, वहां एक्सपेंसिव भी बढ़ते हुए नजर आए। तो एक्सपेंसिव लगभग 300 मिलियन के आसपास बढ़ते हुए नजर आए क्वार्टर टू क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो जहां हमारे को लगभग इनकम इंक्रीज होते नजर आई थी, एक्सपेंसिव भी अच्छे खासे इंक्रीज नज़र आ रहे हैं। अगर आप बात करें तो ये 7.5 के आसपास है, 750 मिलियन के आसपास हमारे को इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं इनके टोटल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस बढ़ गए, अब देख लेते हैं प्रॉफिट पे इसका क्या असर पड़ा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड का, यहाँ प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो कंपनी भैया इस बारी प्रॉफिट में रही है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में। इस बार इन्होंने प्रॉफिट 2,203 मिलियन कमाए हैं, अगेंस्ट दिसंबर की बात करें तो 1,908 के आसपास ये प्रॉफिट्स थे इनके। तो क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा प्रदर्शन ग्लेनमार्क का, पॉजिटिव्स दिख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट्स। एंड पर यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो डिक्लाइन देख रहे हैं हमारे को, लगभग अगर डिफरेंस निकले तो 1,500 मिलियन का हमारे को लगभग डिफरेंस दिख रहा है, डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। तो भैया ईयर ऑन ईयर प्लंज हो गए हैं इसके कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर, इतने ज़्यादा भी प्लंज मेरे को दिखने रहे हैं कि अब। और चलो इसके आगे के स्टैंड अलोन के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं पहले। तो स्टैंड अलोन के रिजल्ट्स क्वार्टर टू क्वार्टर अगेंस्ट एंड ईयर ऑन ईयर सारी वैल्यूज इन टर्म ऑफ मिलियंस। तो टोटल इनकम में देखे, टोटल इनकम में यहाँ पे डिक्लाइन हो गया स्टैंड अलोन में, लगभग अगर हम बात करें ये 500 के आसपास मिलियंस में हमारे को इसमें टोटल इनकम डिक्लाइन दिख रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, लगभग अगर हम बात करें तो अच्छा खासा इनकम यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 5.5 के आसपास हमारे को अगर हम बात करें, ये 5.5 नहीं, एक्चुअल में ये है आपका 5,550 की मिलियंस में ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रही है टोटल इनकम। वहीं अब एक्सपेंसिव भी देख लेते हैं भैया। तो टोटल एक्सपेंसिव क्वार्टर टू क्वार्टर में जहाँ डिक्लाइन हुआ, वहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हो गए भैया इनके, लगभग 50 मिलियन के आसपास इंक्रीज हुए एक्सपेंसिव। और वहीं अगर ईयर ऑन ईयर बात करें तो एक्सपेंसिव यहाँ भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, जितना टोटल इनकम इंक्रीज हुई थी उतनी यहाँ लग गई सब, लगभग 5,000 के आसपास मिलियंस। तो अब कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात। प्रॉफिट फॉर द पीरियड में कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर में यहाँ भी प्रॉफिट में दिख रही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। मात्र अगर बात करेंगे तो 45 के आसपास हमको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, 45 मिलियंस में ही, ज़्यादा ज़्यादा स्लाइटली इक्वली है, मेजर डिफरेंस नहीं। फॉर ईयर ऑन ईयर भी हमारे को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इनके प्रॉफिट्स में, लगभग यहाँ पे भी ज़्यादा डिक्लाइन हमारे को देखने को मिल रहा नहीं, या मेजर डिक्लाइन है लगभग 1,200 मिलियंस के आसपास। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंसोलिडेट एज वेल एज स्टैंड अलोन में डिक्लाइन हुए इनके प्रॉफिट, ज़्यादा डिक्लाइन हमारे को देखने को मिला है नॉर्मल मान सकते हैं। पर वहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर में कंसोलिडेट में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, और स्टैंड अलोन में इनके लगभग सेम ही रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो आगे की बात कर लेते हैं, जहाँ कंपनी ने आज 26 तारीख को अपने रिजल्ट्स बताए थे क्वार्टर फोर के, यहाँ पे इनके जो रेवेन्यूज़ है फॉर कंसोलिडेट वो इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए हैं 7.96% से, और नेट प्रॉफिट्स बारे तो आपको बता ही चुका हूँ मैं। और इनके हम ये बात कर लेते हैं EBITDA के बारे में, जो ये भी लगभग 27.89 से ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही अगर मैं बात करूँ स्टैंड अलोन के, इनके कंसोलिडेट रेवेन्यूज़ इस बारी के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहे हैं, लगभग 1,06,409 मिलियंस के अगेंस्ट अगर बात करें 98,506
654 मिलियंस के अंगेज में। तो ये भी हमारे को कंसोलिडेट रेवेन्यूज़ भी इनके ग्रो अप होते हुए आ रहे हैं नज़र, लगभग 7.86% से। तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इनके पॉजिटिव साइड्स में रहे हैं, सब कुछ इनका इंक्रीज़ होते नज़र आ रहा है सिवाय ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स के। तो मार्केट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि इस रिजल्ट्स को पॉजिटिव लेगी। तो अब बात कर लेते हैं इनके डिविडेंड की जो कंपनी ने आज बताया है, जो आप देख सकते हो 250% का भैया डिविडेंड कंपनी की तरफ से एट द रेट 250 आप देख सकते हो, 2.50 रुपये कैलकुलेट हो गया है, तो ये डिविडेंड आपको मिलेगा। तो आगे की बात कर लेते हैं वनडे के चार्ट में, जहां कंपनी बनी थी रॉकेट न्यूज से प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी बढ़िया दिखी। अब फंसे हैं भैया 550 के लेवल पे, मैं आपको बताया था कि ये नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी तो साइडवेज मूवमेंट स्टार्ट हमारे को देखने को मिलेगा, तो साइडवेज मूवमेंट हमारे को देखने को स्टार्ट होगा। अब आ चुके हैं रिजल्ट्स, तो अब रिजल्ट्स आप सोच रहे होंगे कि 550 पे इसको ले जाएगा, ये तो भैया मंडे को ही पता लगेगा, पर रिजल्ट्स है पॉजिटिव, हम उम्मीद कर सकते हैं इसमें कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइड को हमारे को मूवमेंट देखने को मिले। और लेवल्स देख लेते हैं कि हमारे को किन लेवल्स पे नज़र रखनी है, तो एक आर के कैंडल पे देखें तो लगभग इसको जो सपोर्ट है 452 पे हमारे को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसमें कंटिन्यू अभी सपोर्ट बनता रहेगा। और हम अगर इसमें अपसाइड की बात करें तो 506 तक के लेवल्स मेरे को मंडे में कहीं ना कहीं मैं इस शेयर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स इसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहे हैं। और वहीं अगर हम इसमें बॉलिंजर बैंड भी देखें तो बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग इस शेयर को जो निचला स्तर का सपोर्ट है वो 416 पे है, और बॉलिंजर बैंड बता रहा है कि ये लगभग 492 जाने को कहीं ना कहीं तैयार दिख रहा है। और वहीं वनडे के चार्ट में अब आ चुके हैं हम इसके रिपीट हो गए वनडे के चार्ट में हम इसके RSI पे आ चुके हैं, तो लगभग RSI है लगभग 65.27 के आसपास, जो ओवरबॉट पोजीशन से वापस आया है, कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, शेयर में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो भैया रिजल्ट्स इसके पॉजिटिव है, सारे इंडिकेटर वाले इसमें पॉजिटिव मूवी दिखा रहे हैं अभी तक, तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये जल्द ही 500 के लेवल को टच करे और उसके बाद देखते हैं उन प्राइजेस पे ये मेंटेन करता है कि नहीं। रिजल्ट्स ऑल ओवर पॉजिटिव, क्योंकि कंसोलिडेट रिजल्ट्स हमारे को मच बेटर दिखे थे स्टैंड अलोन के हिसाब से। और वहीं इनके जो क्वार्टर टू क्वार्टर में अगर हम देखें तो इनकी इनकम प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं, और टोटल इनकम भी कंपनी की इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है, जो फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ हमारे को देखने को यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है। अब तो भैया इसके पास और ज़्यादा काम आ चुका है, टोटल इनकम बढ़ेगी तो ही प्रॉफिट बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं टोटल इनकम बढ़ने के पूरे पूरे आसार है। तो इसमें होल्ड कीजिए, पैनिक बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न डेफिनेटली देगा। तो दोस्तों वीडियो लगाओ इन्फॉर्मेटिव, प्लीज सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को यार, मोटिवेशन मिलता है, कमेंट सेक्शन में क्वेरीज पूछिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।